ain't stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई से बच्चे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो हम लोग जानने लगे कि आप वन टैप प्लस फास्ट ग्लो ऑल कैसे लगा सकते हो। जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, मैं वन टैप मारने के बाद कितना जल्दी ग्लो ऑल लगा रहा हूँ। मीन सी टैप ग्लो ऑल 360 डिग्री ग्लो ऑल देख सकते हो, कितना ज्यादा फास्ट लगा रहा हूँ। वैसे आप भी कैसे लगा सकते हो, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए, आपका जो फ्री फायर का सेटिंग हो क्या रखना चाहिए जिससे आप वन टैप प्लस फास्ट सी टैप ग्लो ऑल या फास्ट 360 डिग्री ग्लो ऑल लगा पाओ। और एक चीज, अगर आप वन टैप प्लस फास्ट ग्लो ऑल लगाना सीख जाते हो तो आपका जो मूवमेंट है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटी सी इंट्रो के बाद। बिना टाइम इसके हम लोग जान लेते, अगर आपको वन टैप प्लस फास्ट सी टैप ग्लो या फास्ट 360 डिग्री ग्लो लगाना है जैसे आप बैकग्राउंड में देख रहे हो, अगर वैसे आपको वन टैप प्लस फास्ट 360 डिग्री ग्लो या फास्ट सी टैप ग्लो लगाना है तो आपका फ्री फायर का सेटिंग है वो क्या रखना चाहिए। तो गाइस फ्री फायर के सेटिंग में हम लोग ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, बस आपका जो सेंसिटिविटी सेटिंग है उसमें आपका जो जनरल सेंसिटिविटी है उसको आपको 100 कर लेना अगर आप लो एंड डिवाइस में खेलते हो। अगर आप हाई एंड डिवाइस में खेलते हो तो उसको 85 to 95 कर सकते हो। और इतना ज्यादा इसलिए बोल रहा हूं आपको जनरल सेंसिटिविटी हाई करने को क्योंकि गाइस आपको किसी भी बंदे को वन टैप मारने के लिए जितना आपको ड्रैग चाहिए उतना मिलेगा, उसी के साथ आपका जो सेंसिटिविटी वो हाई होना चाहिए अगर आपको फास्ट 360 डिग्री ग्लो लगाना है या फास्ट सीटअप ग्लो लगाना है तो। और बाकी जो आपके रेड डॉट हो गए, टू स्कोप हो गया, फोर स्कोप हो गया, AW स्कोप हो गया, वो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं करना है, जो है वही रहने देना। अभी बात करते हैं आपको कस्टम एचडी में कुछ चेंजेस करना है कि नहीं करना। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको फास्ट 360 डिग्री ग्लो लगाना है या फास्ट सीटअप ग्लो लगाना है तो सबसे पहली चीज आपको अपने कस्टम एचडी में कंफर्टेबल होना चाहिए। तो आप अपने कस्टम एचडी में कंफर्टेबल हो तो बिल्कुल मत चेंज करो, अगर नहीं कंफर्टेबल हो तो नया कस्टम एचडी बनाओ, उसके बाद बिल्कुल मत चेंज करना। तो गाइस अभी बिना टाइम इसके हम लोग जान लेते, अगर आपको वन टैप प्लस फास्ट ग्लो लगाना है तो कैसे लगा सकते हो। तो जो अभी आप बैकग्राउंड में क्लिप देख रहे हो उसी क्लिप में मैं आपको समझाने वाला हूं कि आप वन टैप मार के फास्ट 360 डिग्री ग्लो ऑल या फास्ट सीटअप ग्लो ऑल कैसे लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग वन टैप की बात करते हैं। तो जैसे कि आप बैकग्राउंड में क्लिप में देख सकते हो, इसमें मेरा जो एम है एनिमीज के बॉडी से दूर है। तो सबसे पहली चीज आपके ड्रैग की बात करते हैं, तो आपका जो ड्रैग है वो आपके एम के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आपका एम एनिमीज से दूर है तो आपको रोटेशन ड्रैग करना है, अगर आपका एम एनिमीज के बॉडी के ऊपर हो तो आपको नॉर्मल स्ट्रेट ड्रैग कर देना है। तो जैसे कि आप बैकग्राउंड वाले क्लिप में देख सकते हो, मेरा जो एम एनिमीज के बॉडी के दूर है राइट साइड है, तो मेरे को इधर लेफ्ट साइड रोटेशन ड्रैग करना है। तो आपका भी एम अगर एनिमीज के बॉडी से दूर हो तो रोटेशन ड्रैग करना, अगर आपका एम एनिमीज के बॉडी के ऊपर हो तो नॉर्मल स्ट्रेट ड्रैग करना है। अभी बात करते हैं आपको शॉर्ट रेंज में कितना जोर से ड्रैग करना चाहिए और लॉन्ग रेंज में कितना जोर से ड्रैग करना चाहिए। तो सबसे पहले शॉर्ट रेंज की बात करें तो शॉर्ट रेंज में आपको जोर से ड्रैग करना है, अगर आप जोर से ड्रैग नहीं करोगे तो आपका जो गोली है एनिमीज के बॉडी के ऊपर लॉक हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट रेंज में जो है एक्यूरेसी बहुत ज्यादा वर्क करता है कोई भी गन का, इसलिए आपको थोड़ा सा जोर से ड्रैग करना है। अगर वही लॉन्ग रेंज की बात करें तो लॉन्ग रेंज में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए आपको हल्लू से ड्रैग करना है, मीन हाफ स्क्रीन ड्रैग करना है, और शॉर्ट रेंज में आपको हाफ स्क्रीन से ज्यादा ड्रैग करना है। तो गाइस आप बैकग्राउंड वाले क्लिप में देख सकते हो मैंने कितना ज्यादा जोर से ड्रैग किया, जोर से इसलिए ड्रैग किया क्योंकि जो एनिमीज है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज में, तो शॉर्ट रेंज में जो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा वर्क करता है, इसलिए मैं इधर स्लो ड्रैग करूंगा। तो मेरा जो एम एनिमीज के बॉडी के ऊपर लॉक हो जाएगा, बिल्कुल भी हेड नहीं लगेगा, इसीलिए अगर आप शॉर्ट रेंज में किसी भी बंदे को हेडशॉट देना चाहते हो तो आपको जोर से ही ड्रैग करना है, क्योंकि जो शॉर्ट रेंज होता है उसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा वर्क करता है। और लॉन्ग रेंज की बात करें तो लॉन्ग रेंज में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा कम वर्क करता है, तो आप हाफ स्क्रीन से ज्यादा भी ड्रैग करोगे तो आपका जो हेडशॉट एकदम इजीली लग जाएगा। जिधर तक मैं आपको रेड डॉट दिखा रहा हूं उधर आपको लॉन्ग रेंज में उतना ही ड्रैग करना, उससे ज्यादा नहीं करना। और शॉर्ट रेंज की बात करें तो जो रेड डॉट दिखा रहा हूं उधर तक आपको ड्रैग करना है। अभी बात करते हैं पोजीशन की, तो शॉर्ट रेंज में आपको एक जगह पे खड़े होकर या जंप करके भी हेडशॉट दे सकते हो, बट लॉन्ग रेंज की बात करें तो आप जॉयस्टिक इस्तेमाल कर सकते हो और एक जगह पे खड़े होकर दे सकते हो, बट आप जंप करके हेडशॉट नहीं दे सकते हो। तो गाइस ये तो हो गया कि आप वन टैप कैसे दे सकते हो। अभी बात करते हैं आप वन टैप देने के बाद फास्ट 360 डिग्री ग्लो ऑल या फास्ट सीटअप ग्लो ऑल कैसे लगा सकते हो। तो गाइस आप बैग वाले क्लिप में देख सकते हो मैं वन टैप मार चुका हूं, अगर मुझे अभी इधर फास्ट सीटअप ग्लो ऑल या फास्ट 360 डिग्री ग्लो ऑल लगाना है तो कैसे लगा सकता हूं। तो गाइस जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हो मेरा जो हेडशॉट है लग चुका है, जैसे मैंने होल्ड करके ऊपर ड्रैग किया था वैसे आपको छोड़ नहीं देना, जैसे कि मेरा देखो गाइस होल्ड करके अभी मैंने ड्रैग वाले बटन को ऊपर किया तो इधर मुझे छोड़ नहीं देना है, उसको होल्ड करके नीचे भी लेके आना, जैसे आप होल्ड करके ऊपर लेके जाते हो हेडशॉट मारने के लिए वैसे होल्ड करके नीचे लेके आओ, जिससे आपका जो एम है जमीन पे आ जाए और आपके बॉडी के पास आ जाए, जिससे आपका जो 360 डिग्री ग्लो ऑल हो गया सीटअप ग्लो ऑल हो गया वो आपके बॉडी के पास लगे। उसके बाद आपको ग्लो ऑल वाले बटन पे क्लिक करना है, उसके जस्ट बाद आपको सीटअप वाला बटन पे क्लिक करना है जैसे मैंने किया।
दिया है। और उसके बाद आपको क्या करना, अगर आपको नॉर्मल सीटअप ग्लो लगाना है तो ड्राइव वाले बटन से क्लिक करके लगा सकते हो या लेफ्ट वाले फायर बटन पे क्लिक करके लगा सकते हो, जिससे आप लगाते हो उससे लगा सकते हो। अगर आपको 360 डिग्री ग्लो लगाना है ड्राइव वाले बटन से तो कैसे लगा सकते हो, तो बस आपको ड्राइव वाले बटन को राइट साइड ड्रैग करना है जैसे मैं कर रहा हूं। और जब आप राइट साइड ड्रैग कर रहे हो तब आपको जॉयस्टिक को लेफ्ट साइड होल्ड करके रखना है, जिससे आपका जो ग्लो है आपके पास में लगे। तो आप ऐसे करके ड्राइव वाले बटन से 360 डिग्री ग्लो लगा सकते हो। और लेफ्ट वाले फायर बटन से लगाना है तो पहला जो ग्लो है ड्राइव वाले बटन से लगाना है, जैसे मैंने पहला ग्लो ड्राइव वाले बटन से लगाया, और आपको होल्ड करके रखना है, छोड़ नहीं देना ड्राइव वाले बटन को, होल्ड करके रखना है। और जिधर जिधर ग्लो लगाना उधर उधर लेके जाना होल्ड करके ड्राइव वाले बटन को, और लेफ्ट वाले फायर बटन पे क्लिक करके लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूं। तो आप ऐसे करके फास्ट 360 डिग्री ग्लो लगा सकते हो लेफ्ट वाले फायर बटन से ड्राइव वाले फायर बटन से। तो गाइस आप ऐसे करके वनटेप प्लस फास्ट ग्लो लगा सकते हो। और शुरू में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हफ्ते में एक कस्टम खेलो, और जो जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताया, जो ड्रैग बताया, जो मैंने आपको 360 डिग्री ग्लो के लिए टिप्स बताया, उसको आप फॉलो करके लगाओ, फिर आप एकदम इजीली वनटेप प्लस फास्ट ग्लो लगा पाओगे। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना है, होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो जल्द से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।